मध्य प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों में इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया गिने जाते हैं, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के दौरान कहा कि उनका समूह पीपीपी मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज प्लान कर रहा है और एक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि इंदौर विकास की नई इबारतें लिखेगा। इन्हीं बातों के बीच एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की सरकार ने रेड कारपेट बिछाया है ताकि इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के दिल में आ सके और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित मेडिकल इंडेक्स समूह पर जो है निगाहें टिकी हैं, किस तरह से सरकार की सिंगल विंडो पॉलिसी का वो स्वागत करते हैं और क्या वाकई में इंडेक्स भी इस एक्सपांशन में अपनी आहुति देने जा रहा है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं चेयरमैन श्री सुरेश सिंह भदौरिया साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है GIS के रेड कारपेट पर। किस उम्मीद और किस आशा के साथ और किस बड़े सपने को साकार करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? आज सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी समिट रखी है, ग्लोबल रखी है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं यहाँ पे समिट के लिए, निवेश करने के लिए। हमने भी यहाँ पे दो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज का है 1200 बेड हॉस्पिटल के साथ में, PPP मॉडल पे है। दूसरा का एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें 500 कमरे का होटल भी है और 10,000 क्षमता का एक सिंगल हॉल रहेगा उसके अंदर, और उसको हमने सबमिट कर दिया है। वह 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि आज हमारा ये प्रोजेक्ट सेंक्शन कर देगी सरकार, तो हम 1 साल के अंदर उसको चालू कर देंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरह की अच्छी ग्लोबल मीट रखी है, रेड कारपेट बिछाए हैं, सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को। सर, क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंदौर एक शहर नहीं बल्कि एक दौर है जहां पर विकास की इबारत भी लिखी जा रही है और देश का सबसे लाडला शहर भी इंदौर अब बनता जा रहा है, आप क्या मानते हैं, इससे आपको लगता है एक सकारात्मक वातावरण बनेगा निवेश के लिए और नई संभावनाएं तलाशी जा सके? देखिए, इंदौर ऐसा शहर है जिसमें लोग अपने आप चलते हैं, उनको थोड़ा सा रास्ता दिखा दीजिए उसके बाद में तो दौड़ पड़ते हैं। वही मोदी जी ने कहा है कि इंदौर शहर नहीं एक दौर है, वो रास्ता मोदी जी ने दिखा दिया है, अब ये इंदौर से दौड़ने के लिए तैयार है। बस उनको थोड़ी सही रास्ते पे थोड़ी सुविधाएं मिलती रहें, ये शहर दौड़ के महानगर में शामिल हो जाएगा। सर, इंडेक्स ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है इंदौर के डेवलपमेंट में। आने वाले दिनों में हम माने कि शहर का, प्रदेश का एक बड़ा भव्य कन्वेंशन सेंटर भी इंडेक्स समूह बनाने जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो इसको तय माना जाए, इस पर सरकार की मंजूरी आपको मिल गई है? ये करीब करीब हमने सरकार को प्रस्ताव दे दिया है और उसमें मंजूरी मिलना करीब करीब तय है। आज ही समिट में इसको फाइनल होना है। इसमें हम 10,000 की बैठक क्षमता वाला एक सिंगल हॉल बनाएंगे जिसमें कितना भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर हो सकेगा, और इसके साथ साथ 500 कमरे का होटल भी बनाएंगे जिससे गेस्ट एक ही छत पास में एक ही जगह पर रह सकेंगे, जिससे उनको असुविधा भी नहीं हो। और ये करीब करीब आज फाइनल हो जाएगा, ये करीबन 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 1-to-1 के बाद तमाम उद्योगपतियों के चेहरे भी खिले हुए हैं और जो सरकार के जतन हैं, जो सरकार की कोशिशें हैं, वो भी भविष्य में रंग लाती दिखाई देगी, क्योंकि रेड कारपेट बिछा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का और उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश का सबसे लाडला शहर इंदौर भी विकास की इस उड़ान में अपनी आहुतियाँ लगातार दे पाएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।